Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, all of you are fine and enjoying with good health. My name is Rabia Salman. Here I am your computer teacher. And now I welcome all of you on the Digital Academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, तो हम अपनी बात कर रहे थे फ्लो चार्ट के हवाले से. हमारा प्रीवियस टॉपिक था फ्लो चार्ट का. तो फ्लो चार्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमने कल एक एग्जाम्पल की थी ऑड नंबर्स की. आज हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ठीक है जी. बहुत ईजी एग्जाम्पल है कि सपोज करें कि आपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है और ड्रॉ करना है टू नंबर्स को, और टू नंबर्स का आपको ने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. टू नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है. जैसे अगर हम सिंपल मैथ्स की बात करें, जैसे लेट सपोज कि ए की वैल्यू 4 है, ठीक है. ए की वैल्यू 4 है, बी की 5 है, तो आप मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, 20 आंसर आ जाएगा. लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपने नेचुरल नंबर्स में नहीं लिखना. स्टार्ट हम करेंगे काम को, एरो लाइन लगाया, फिर हमने इनपुट का साइन दिया. हम इनपुट का साइन इसलिए देंगे कि आप इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा. आपको क्वेश्चन क्या था कि आपने टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो इनपुट नंबर, इनपुट ए और बी, ठीक है. दो वैल्यूज दी हैं, इनपुट ए और बी, फिर एरो के साइन कनेक्ट किया. अब आपका प्रोसेस क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं? हमने प्रोसेसिंग का साइन लगाया, इसका मतलब है कि हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं. हम करेंगे ए इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करते. आपने इनपुट में वैल्यूज दी हैं, फिर आपके पास आप दोबारा इनपुट आउटपुट का साइन लगाएंगे, आउटपुट में आ जाएगा ए इंटू बी, और देन हमारा काम स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा. ये आपकी एग्जांपल थी आज, ये सिंपल सी एग्जांपल थी आपके पास. हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट. हमने एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है जिसमें हमने 4 वैल्यूज़ लेनी है. इट्स अप टू यू, वैसे तो आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आप 4 वैल्यूज़ लें, आप 3, 5 जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले सकते हैं. 4 वैल्यूज़ देनी है और उसको आपने ऐड करना है. अब ये जो हमारा काम है, ये हम देखें टॉप टू बॉटम जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है. सेम उसी तरह आपने काम को क्या करना है, स्टार्ट करना है. देन एरो साइन इंडिकेट करता है कि काम आपको ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, टॉप से बॉटम में. फिर आपने आप इनपुट का साइन लगाना है. इनपुट में आपने वैल्यूज़ देनी है, इनपुट ए बी सी डी वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 4 वैल्यूज़ है आपके. देन आपके पास प्रोसेसिंग का साइन आएगा. अभी मैंने आपको बताया कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम वैल्यूज़ को प्लस करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं. तो आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपके पास आ जाएगा. फिर फोर्थ में आपके पास चीज़ आ जाएगी कि आपने आउटपुट डिस्प्ले पे क्या करना है. आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा कि सबका सम आपने निकालना है, और आपका काम वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल थी. इसके अलावा और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है जी. उसमें भी आपकी आप लेफ़्ट टू राइट बना लें, राइट टू लेफ़्ट बना लें, इससे कोई इशू नहीं होता फ्लो चार्ट का. लेकिन फ्लो चार्ट शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है ना. फ्लो चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है. एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए उसको तैयार होना है, ठीक है ना. अब आपका क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो है वो गेटिंग आर रेडी, वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो हम उसको किस तरह वो जो है रेडी होगा. नंबर वन प्रोसेसिंग जो आपका काम होगा, नंबर वन स्टूडेंट का काम क्या होगा, वो उठेगा. स्टार्ट हुआ आपका काम फ्लो चार्ट के वाले से, स्टार्ट हुआ. देन उसके पास आपके पास इनपुट में जो चीज़ आती है, ठीक है, इनपुट में है कि वो टेक अ शावर है, वो अपनी चीज़ें गेटिंग रेडी करेगा, अपनी चीज़ों को रेडी करेगा, बुक्स को लेगा, शूज़ सॉक्स सारी चीज़ों को रेडी करेगा, ठीक है. फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आपके पास आता है, ये भी आपका सारा इनपुट में ही आएगा, ये कि वो है टेक शावर, वो शावर को शावर लेगा. थर्ड चीज़ आपके पास जो आती है गेटिंग ड्रेस रेडी, क्या उसका ड्रेस रेडी है, ठीक है. प्रोसेसिंग में गेट वो अपने ड्रेस को रेडी करेगा, अगेन वो टेकिंग शावर, वो शावर लेगा. उसके बाद जो है वो टेकिंग ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट करेगा. ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके प्रोसेसिंग को शो करती हैं, यानी कि ये इनपुट आएंगे, सारी चीज़ें आपकी प्रोसेसिंग को शो करेंगे. फिर उसके बाद जब स्टूडेंट एक रेडी हो जाएगा, देन वो आउटपुट उसका क्या होगा कि वो बाहर निकल जाएगा स्कूल गेट, या तो स्कूल बस का वेट करेगा, या उसने पैदल जाना होगा तो वो चला जाएगा. और इस तरह हमारा काम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, काम यहाँ पर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट, आपकी बहुत ही ईजीएस्ट एग्जाम्पल है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट. आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है, डेट सेंसर अराइवर ऑफ अ ट्रेन. सेंसर मतलब होता है कि जब ट्रेन कहीं से गुजर रही होती है, ट्रेन आ रही होती है प्लेटफॉर्म में, तो एक सेंसर बजता है. सेंसर मैंने एक बजर बजता है कि जिसका मतलब होता है कि ट्रेन जो है वो अपने टाइम पर आ गई है. सो स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में बात करेंगे. नंबर वन स्टार्ट, उसी तरह टर्मिनल साइन में आपने काम को स्टार्ट किया. अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल वे है, इसमें आपने देखेंगे कि इसमें डिसीजन मेकिंग के साइन आपके इस्तेमाल हुए हुए हैं मोर देन वन टाइम. काम आपने किया स्टार्ट, फिर आपने देखना है क्या
ट्रेन अराइव इन अ टाइम, क्या ट्रेन अराइव हो गई है? अगर तो ट्रेन अराइव हो गई है टाइम पे तो यस कर देंगे और काम आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इन केस ट्रेन आपके टाइम पे अराइव नहीं होती, नहीं आ रही ट्रेन, तो आपका काम पे फर्दर क्या होगा? आपका काम ये होगा कि आप प्रोसीजिंग प्रोसेस में जो है वो आप वेट करेंगे, या आपका जो है उसका क्लोज द गेट हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, यानी कि जब ट्रेन ही नहीं टाइम पे आएगी तो फिर उसके बाद हम दोबारा इसमें दोबारा जो है अगेन आपने डिसीजन मेकिंग का साइन लगाया है कि जो है ट्रेन जो है वो टाइम पे डिपार्चर हो गई है, ट्रेन आपके पास आ गई है। अगर जब ट्रेन आ गई है तो आपके गेट ओपन हो जाएंगे और आप जो है उसमें बैठ जाएंगे, ठीक है, और काम स्टॉप हो जाएगा। और अगर ट्रेन टाइम पे नहीं आएगी तो आपका काम क्लोज ही रहेगा, यानी कि गेट ओपन नहीं होंगे। तो ये आपका प्रोसीजर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आप कह लेंगे बड़ी ईजीएस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गेट डिसीजन मेकिंग के ज़्यादा साइन है और थोड़ा ज़रा इंटरेस्टिंग सी है कि उसमें आपने फ्लो चार्ट बनाना है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ईट। आपने खाने के हवाले से बनाना है कि आपने खाना खाना है और आपने उसके हवाले से एक फ्लो चार्ट बनाना है कि संडे है और आपका लंच करने को दिल कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने काम को किया स्टार्ट, काम को शुरू किया टर्मिनल साइन से, एरो लाइन से। आपने ये देखना है कि आपने डिसीजन में ये चेक करना है इफ़ योर मामा इज़ एट होम या नॉट, ठीक है, अगर आपकी मदर घर पर है या नहीं है। इन केस वो घर पर हैं, ठीक है, तो आप स्टेप्स से लेंगे येस तो वो घर पे हैं, उनके साथ आपने बैठ के लंच किया, इंजॉय किया, अपना लंच किया। और इन केस फिर हम डिसीजन साइन की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर एक लाइन शोर या नो, आपकी मम्मी घर पे नहीं है, मदर घर पे नहीं है, देन व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करेंगे? हम फिर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे, साइन चेक करेंगे, आपने फ्रिज को ओपन किया, आप चेक करेंगे कि वहाँ पर कोई ईटेबल कोई थिंग है, कोई खाने के लिए चीज़ है। सपोज़ अगर है तो आपने खा ली, इन केस फिर नहीं है, नो है, तो फिर हम डिसीजन मेकिंग के साइन की तरफ आएंगे कि फिर आप क्या डिसीजन लेंगे। फिर आप ये डिसीजन ये लेंगे कि गो सम आउट वेयर, कि मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ या बाहर चला जाता हूँ और वहाँ से खा लेता हूँ, ठीक है, और आपका दिल नहीं भी कर रहा लेकिन आपको भूख लगी भी, आप बाहर चले जाएंगे, ये सारा इंडिकेट हो रहा है। या देखें ये जो है आपका राइट से लेफ्ट की तरफ शो हो रहा है कि आप वो जो है आप बाहर चले गए, ठीक है, आपने बाहर जाके वहाँ पर टेकिंग ऑर्डर दिया, ठीक है, अपने लंच को इंजॉय किया और उसके बाद आप जो है वापस घर आ गए, ठीक है, लंच को इंजॉय करके और काम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको करवाई हैं फ्लो चार्ट से रिलेटेड। होपफुली इसके बारे में आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, इसको आप अच्छी तरह देखिएगा और इसको जो है ड्रॉ भी कीजिएगा, इस तरह वर्बली नहीं, इसको अच्छी तरह ड्रॉ करें, बार बार ड्रॉ करें ताकि ये आपको इस पर ग्रिप आ जाए, ठीक है, इन साइंस को। तो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।